गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? परसों रात 3:30 बजे हम लौटे थे। रात नहीं, एक्चुअली सुबह 3:30 बजे हम लौटे थे। उसके बाद पूरा दिन कल रेस्ट करने में चला गया। मिथुन का कमर और थाइस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मेरा भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरा जो ट्रिप था हमारा पूरा बस बस में ही निकल गया, और इतना बस में ट्रैवल करने का आदत नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अभी भी हो रहा है मिथुन का, पर मेरा भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है। खाने पीने का कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, पर इतना पता है कि घर का ही कुछ हेल्दी या हल्का फुल्का सा कुछ खाना है। तो आर्यन भी आ चुका है स्कूल से, तो आर्यन को भी खाने के लिए कुछ दूंगी और हम लोग भी एक एक ऑमलेट खा लेंगे। ब्रेकफास्ट में बस चाय लिए थे। ये रहा आज का लंच आर्यन के लिए, पर दाल राइस होने के बावजूद भी हमें अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, ना ही मुझे ना ही मिथुन को। बस एक एक ऑमलेट अभी खा लेंगे। कहीं से आने के बाद ना तुरंत आपका माइंड उस तरह से सेट नहीं होगा कि आप पूरे घर को संभाल पाओ। कल का दिन भी मिथुन ने छुट्टी लिया था, क्योंकि मिथुन को पता था कि इतने दिन घूम के आने के बाद ही ऑफिस जॉइन करना अच्छा नहीं लगेगा। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ करूं। तो ऐसे जो ऑस्कर माइलो का खाना, हम लोगों का थोड़ा बहुत खाना, ऐसे ही बॉयल्ड राइस दाल ये सब खा रहे थे हम कल से। आज भी ये बना लिया, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगता है और साथ ही साथ में आपका बहुत मन करेगा कि ये सब खाने का। वहाँ पे ये सारी चीज़ें इतना मिस करी थी। एक दिन शायद मैंने चिकन लिया था, बस खाने जा रहा था। कुछ कपड़े हैं यहाँ पे जो कि यूज़ भी नहीं किया, तो वो सब तो एक साइड में रखेंगे और जो सारे कपड़े यूज़ किया है उसे क्लीन करने के लिए देंगे। और जब भी आप बाहर से घूम के आए ना, तो सबसे बड़ा काम बस यही होता है कि कौन कौन से कपड़े यहाँ पे क्लीन करने के लिए देना है। ये है मिथुन और आर्यन का ट्रॉली। ये अभी आधा तो खाली हो चुका है और इस साइड का बाकी था वो मैंने खाली कर लिया। मेरा अभी फुल बाकी है अभी मेरा। ये बस एक ही दिन पहना था तो ये इसे मैं क्लीन नहीं करूंगी। ये नया शर्ट है और मिथुन का बहुत ही पसंदीदा एक शर्ट है, तो वो मैं नहीं क्लीन करूंगी एक दिन पहनने पर। ये सारे पिलोज ना मैंने और घर में उठा के नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे लगा कि छत में कौन आएगा और इस तरफ धूल मिट्टी भी नहीं होता है, तो ऐसे रखी गई थी। अभी जस्ट आपके इसे टच किया, इतना बड़ा चूहा निकला यहाँ से। उसके बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ नुकसान तो इसने जरूर किया होगा। एक एक करके सारे कुशन निकल रहे थे, इतना बड़ा एक चूहा, इतना बड़ा। Set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you too. सच बोलूं तो कोलकाता का कभी ये रूप देखूंगी कभी सोचा नहीं था। कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर लिविंग। एग्जाम से पहले लेट हम ट्यूशन से लौटते थे, ऑटो वाले भैया हमें घर तक छोड़ के जाते थे। तो ये रूप देखा था कोलकाता का, और ये जो अभी रूप देख रही हूँ ना, ये देख के सच में डर लग रहा है। पर गाइस एक चीज मैं फिर भी बोलूंगी, कोई भी सिटी को इस तरह से जज शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदगी में कभी अपने कोलकाता के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं होगा। एक इंसिडेंट की वजह से पूरे कोलकाता वाले बुरे नहीं हो सकते, बुरे नहीं बन सकते, ना ही सिटी बन सकता है। पर एक चीज है, ये सारे घटना के पीछे जो जो लोग जिम्मेदार है, उन लोगों को ऐसा सजा मिलना चाहिए ताकि ऐसी सोच दूर दूर तक किसी के दिमाग में ना आए। किसी के दिमाग में आए भी तो उनका रूह कब जाए, तो इस तरह से उनका सजा होना चाहिए। कोलकाता में दंगे फसाद होते हैं, कोलकाता में मारपीट होते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब हर एक सिटी में होता है। पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, पहली बार सुनने के बाद मुझे सबसे पहले अगर कोई चीज याद आई है या पे अगर कुछ हिट किया है तो वो है निर्भया। और सेम चीज इतने साल बाद भी कुछ नहीं बदला फिर कोलकाता में। पर हर बात की एक बात, सोशल मीडिया पे जब कोई बात आती है, चाहे जितनी भी बड़ी बात हो,
कोई चीज दूसरा आ जाती है तो वो दब जाती है, पर एक ही रिक्वेस्ट है जिस तरह से हम सभी लोग हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने की, चाहे सोशल मीडिया पे नेक्स्ट कोई भी चीज आए जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो, पर ये चीज कभी दबना नहीं चाहिए जब तक वो सारे लोगों को अपने हिसाब से पनिशमेंट ना मिले, जो गलती उन्होंने किया है उनके लिए वो जो सही सजा है वो मिले, जो सबसे हाईएस्ट सजा है वो उनको मिले। सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डाल रहे हैं हम, एवरीडे जो हमारा नॉर्मल कंटेंट है वो हम डालें, पर एवरीडे एटलीस्ट एक पोस्ट इसके लिए हम करें, एटलीस्ट एक स्टेप एवरीडे अगर हम इस तरह से करते जाए ना, जब तक उनको सजा नहीं होता मुझे लगता है कि जिनके लिए जिनके खिलाफ हम ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि नहीं, जनता नहीं भूली है अभी तक। सारे लोग शायद यूट्यूबर्स नहीं है, उनका यूट्यूब में चैनल नहीं है, पर इंस्टा और फेसबुक में अकाउंट लगभग सारे लोगों का है। मैं जब वैकेशन में थी तब भी मैं इंस्टा पर पोस्ट करती थी, पर फेसबुक में मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। पर हम सारे लोग जैसे कि हम वैकेशन का पिक्चर पोस्ट करते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर फेसबुक या तो इंस्टा में हम इस तरह के पोस्ट अगर करते रहे एवरीडे, मुझे लगता है ये बेटर होगा। We grow old, please tell me you'll stay or take me away. अपने बहनों का राखी दिखाओ। अभी तो खोल दिया। वहाँ पे बस में राखी पहनाया गया था, एक शोनादी का और एक शालिनी का, दो राखी। यहाँ पे अगर होते तो और एक मिल जाता, मेघना का। मेघना फोन किया था? फोन किया था मेघना ने। फिर दीदी भाई फोन किया था? दीदी भाई भी फोन किया था। ये है पूरा शॉपिंग, ये दो बैग से ड्यूटी फ्री का, और ये मैंने श्रीलंका से लिया है मैग्नेट, एक एलिफेंट का और ये एक मास्क, इसमें भी है कुछ मैग्नेट्स। ये एक्चुअली बाद में दूसरा एक शॉप से लिया था तो इसलिए ये अलग से है, और ये एक ही शॉप से सारे लिए थे तो ये भी अलग से है। कुछ गिफ्ट्स के लिए है और कुछ हमारे घर पे रखने के लिए है। श्रीलंका लिखा हुआ ये मुझे बहुत पसंद आया, सबसे पसंद मुझे ये आया है। आर्यन का भी नया शौक चल रहा है कि जहाँ पर भी जाएगा वो एक फ्लैग लाएगा उस कंट्री का, तो ये फ्लैग लाया है। बाद में कहीं पर भी जाएगा तो ये, पहले तो उसका शौक था, मतलब अभी भी वो शौक है, जहाँ पर भी जाएगा समुंदर है तो समुंदर का पानी वो कलेक्ट करता है। और दो पार्ट्स ये भी गिफ्ट्स के लिए है, बादनी का, श्रीलंका का बादनी बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है, पर ह्यूज कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, कोई भी चीज़ अब टच नहीं कर पाओगी, इतना ज़्यादा महंगा है। ये है ऊपर से, ये कॉटन है, ये सिल्क में है, एक रैपर लिया है मैंने, क्या कुछ तो लेके जाना चाहिए ना वहाँ से, और ये बहुत महंगा है। मैंने पहले चूज़ किया था एक साड़ी जो कि सिल्क बादनी में है, और वो साड़ी अगर आप देखते ना तो मतलब हैरान हो जाती, इतना सुंदर, और वो कभी उसका ट्रेंड नहीं जाने, बादनी का ट्रेंड कभी नहीं जाए। और ये है ड्यूटी फ्री का, ड्यूटी फ्री से मोस्ट ऑफ द जो हमारा शॉपिंग है वो है मिथुन का, उनका बार कलेक्शन, ये सब वही है। ओ इसमें मेरा श्रग भी रह गया है। और मैंने दो चीज़ लिए है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये है आर्यन का चॉकलेट्स, और एक चॉकलेट का पैकेट था क्योंकि आर्यन ने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, और ये मैं नेधु के लिए रख दूंगी क्योंकि गणेश चतुर्थी में नेधु आ रहा है, और अगर इसे मैं अलग से नहीं रखूंगी ना तो आर्यन कब इसे ख़त्म कर देगा, कुछ ठीक नहीं। शायद इसमें वहाँ पे एक घटना घटा है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी मेरा पहले का जो शॉपिंग है वो हमने किया था डूफ्री से, जहाँ पे मेरा एस्टेल ऑर्डर का ये जो दो पैकेट मतलब एक कॉम्बो है, इसमें $39 ज़्यादा लिया था फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो में सेम प्रोडक्ट $39 कम में हमें मिल रहा था। ये मेरा एवरीडे का स्किन केयर रूटीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो जब ये मिल गया तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो जाके परफ्यूम देखते हुए ये देखने के बाद जब मैं दाम पूछा उसके बाद देख रही हूँ कि $39 ज़्यादा लिया था डूफ्री से, डूफ्री ने। देन वापस गई, जाने के बाद जब उनको पूरा चीज़ें बोला, एक्सप्लेन किया कि फ्लेमिंगो में हमें सेम चीज़ें इतनी प्राइसिंग मिले, आप इतना ज़्यादा, बोला कि ये हमारा प्राइसिंग है, ठीक है अगर आपको ये नहीं लेना है
तो आप या पूरा सामान मिथुन का पूरा बार का पूरा जो कलेक्शन है वो पूरे चीजें वहां से लिया है। और मेरा ये सारे चीजें बड़ा सा लंबा चौड़ा बिलिंग हुआ था और ये चॉकलेट्स भी वहीं से लिए थे क्योंकि फ्लेमिंगो थोड़ा सा अंदर था, वहां तक नहीं गए, वहां से लेके आए। फिर बोल रहे कि फिर सारे चीजें आप वापस दे तो हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे। और हमारे पास था ओनली 10 मिनट्स, जब हम वहां पे गए इतना टाइम तक बातचीत किए, फिर ओनली 10 मिनट्स हमारे हाथ में था। फाइनल कॉल अनाउंस हो चुका था पर उन लोगों ने बोला हमें आधे घंटे टाइम चाहिए, आधे घंटे में हम लोग पूरा फॉर्मेलिटी कर देंगे। आधे घंटे किसके पास था, फ्लाइट तो नहीं मिस कर सकती। देन यही मुझे लेना पड़ा। पर उन्होंने क्या किया, जब प्राइस इतना ज्यादा लिया और हमें पता चल गया कि उन्होंने ज्यादा लिए, पास वाले शॉप पे इतना कम में मिल रहा था, तो मुझे ऐसे पाउच दिया। पर इस पाउच का कोई मतलब नहीं है, 100 या 200 का शायद होगा ये पाउच। उसके बाद ये पाउच उन्होंने दिया है $29 के बदले में एक पाउच। इसलिए मैं मेंशन किया, ये सारी चीजें इतना एक्सप्लेन किया कि आप भी अगर जाते हो तो फ्लेमिंगो में भी सेम चीजें अगर होता है तो एक बार चेक जरूर कर लेना, थोड़ा दोनों शॉप में चेक करके फिर परचेस करना, क्योंकि उसके बाद ना बहुत पछतावा हुआ था। अगर पता नहीं होता तो ये पछतावा नहीं होता, पर जब पता चल गया तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे बॉटल्स है, ये बॉटल्स में कितना ज्यादा उन्होंने लिया है हमसे, जो हमें पता नहीं है और हमने पूछा भी नहीं था फ्लेमिंगो में। और इनके चॉकलेट्स में कितना ज्यादा लिया है। और फ्लेमिंगो से हमने लिया है परफ्यूम डियोर का, और ये परफ्यूम मुझे बहुत दिनों से चाहिए था तो जब मौका मिला तो ले लिया, डियोर का मिस डियोर। इसका जो स्मेल है ना, माइंड ब्लोइंग स्मेल है। और कितना टाइम था, मतलब जब तक आप वहां पे उस जगह पे पानी नहीं डालोगे तब तक वो स्मेल रहेगा। बहुत दिनों से चाहिए था ये डियोर का, और वैसे भी डियोर का ये फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है। मैंने ट्राई किया था कोलकाता में पर लेना नहीं हुआ। कल जब तक शावर नहीं लूंगी तब तक ये स्मेल रहेगा। और इतना अच्छा स्मेल मैंने आज तक बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम यूज किए हैं, पर ऐसा स्मेल ना मैंने जिंदगी में आज तक कभी लिया नहीं। इसलिए और कब मैंने इसे ट्राई किया था, कब, जब मैं कोलकाता थी, और अभी भी इस चीज के ऊपर मेरा ट्रस्ट था तो मौके पे मिल गया, बस ले लिया। और इसके साथ मुझे बिना मांगे ही एक गिफ्ट मिल गया, वो है एक पाउच। फिर भी ट्रैवलिंग के टाइम में पाउच की बहुत जरूरत पड़ती है। ये काफी बड़ा है, इसमें आप ये भी रख सकते हो, मतलब मेरा जो मेकअप ब्रशेस है वो भी आराम से आ जाएगा, काफी बड़ा है, बर्बरी का। तो मैंने बोला कि जब आप ये दे ही रहे हो तो डियोर का ही कोई पाउच दे दो। बोल रहे हैं कि डियोर हमें ही कोई पाउच नहीं भेजता, मैं आपको कैसे दूं। तो बर्बरी का था, डियोर से कोई गिफ्ट नहीं मिलता, कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता, चाहे जितना भी आप शॉपिंग कर लो डियोर का सेम प्रोडक्ट का, कभी कोई गिफ्ट नहीं देते। चलो ठीक है, जो मिलता है वही काफी है बिना मांगे। ओ हाँ, एक नेल पेंट OPI का, और ये लिया था $15। और ये मेरे बहुत काम का रहा है क्योंकि ये तो मैं वैसे भी रेगुलरली यूज करती हूँ, एंड जाने से पहले मेरा सीरम खत्म भी हो गया था तो इसलिए ले लिया। पर दोनों में पैसे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये 100 ml का है पर वहाँ पे सिंगल नहीं मिल रहा था 100 ml का। मैं जो बॉटल यूज करती हूँ वो 75 ml का होता है, पर ये 100 ml का, पहली बार 100 ml का यूज कर रही हूँ। पर ये इतना ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है एकदम छोटा। लास्ट टाइम जो लिया था इतना सा नहीं मिला था इसलिए इतना सा, तो वो ट्रैवल फ्रेंडली है। और इतना महंगा सिरम अगर थोड़ा सा भी गिर जाता है ना, जो कि एक बार गोवा जाने के टाइम में मेरा गिर गया था, इतना था पूरा फुल, इतना कम हो गया था, इतना सारा सिरम गिर गया था। एक तो ये ग्लास का है और इसका जो ये लीड भी होता है, ये पता नहीं क्यों एक बार ओपन होने के बाद जितना भी आप अच्छे से पैक करो ये गिरेगा ही गिरेगा, लीक होगा ही होगा। वह छोटा सा ट्रिप था पर ड्यूटी फ्री को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। जब मालदीव गए थे तब सिर्फ मिथुन ने अपना कलेक्शन बनाया था, मैंने कुछ नहीं लिया था मालदीव से, पर इस बार लिया। और नेक्स्ट टाइम जब भी जहाँ पर भी जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम तो मेरा प्लानिंग कुछ थोड़ा बड़ा है, इससे भी देखते हैं। नेक्स्ट शायद होगा यूरोप, और वहाँ पे अगर मैं जाती हूँ तो 2 पर्स मेरा फाइनल है
और वही शर्त लगा के मैं जा रही हूँ मिथुन के साथ, वही प्रॉमिस लेके मैं जा रही हूँ, दो पर्स, एक एलवी का और एक जीसी का। I want you for myself every single day. You set my world on. डिनर बन रहा है, चपाती और आलू मिर्ची और साथ में अनियन चुकंदर सलाद कट कर लेंगे। और रोटी के साथ जब सिर्फ आलू भुजी मैं बनाती हूँ ना, तो इससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है, वो क्रिस्पी वाला आलू भुजी नहीं बनाती, तो इसके साथ खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो जाता है। और ये आलू भुजी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आलियन के लिए बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं अपना रेगुलर का मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। ये अगर हो जाता है ना तो खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता जल्दी जल्दी में। और स्पेशली आर्यन को मैं थोड़ा सा अच्छा वाला खाना ही एवरीडे कुछ नया ना कुछ देने की कोशिश करती हूँ, तो उसके लिए भी ना जिंजर गार्लिक पेस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। चपाती के साथ या तो पराठे के साथ कोई कड़ी, और पनीर कड़ी, पनीर का जो कड़ी बनता है तो वो उसे बहुत पसंद है। कभी कभार बोनलेस चिकन का भी बना देती हूँ, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमेशा ये चीज तो हमारे फ्रिज में रहेगा ही रहेगा। और पील्ड गार्लिक मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि गार्लिक एक एक करके पील करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसे अभी थोड़ा क्लीन करेंगे पानी से एंड देन इसका पेस्ट बना लेंगे, और साथ में ग्रीन चिली। You set my world on fire.